हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ओथेलो का पार्ट टू सॉल्व करेंगे। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के 55 तक सभी इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया था, और आज की इस वीडियो में हम 56 से लेकर के 108 तक बाकी सभी इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू। तो ओथेलो की जो फाइनल स्पीच है प्ले में, उस फाइनल स्पीच में उसने क्या कमांड किया है, क्या ऑर्डर किया है लोडोविको को करने के लिए? तो उसने लोडोविको को क्या करने के लिए बोला है अपनी फाइनल स्पीच में? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो 56, क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वाज अबाउट एग्जिजरेटिंग और मेलाइनिंग हिम। तो यहाँ पे ओथेलो कहता है लोडोविको से, उसको ऑर्डर करता है या उसको कमांड करता है कि जैसे कि उसने जो उसने वर्क किया था कि डेस्डिमोना को उसने किल कर दिया था, बाद में वो खुद को भी उसने सुसाइड कर लिया था, तो वो लोडोविको से बोलता है डिस्क्राइब ओथेलो, ओथेलो को डिस्क्राइब करना एज ही वो, जैसे कि वो था, विदाउट एग्जेजरेटिंग और मेलाइनिंग हिम, मीन्स उस पर कोई दोष लगा के या उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा मत बोलना, जैसा कि मैं हूँ मुझे वैसे ही डिस्क्राइब करना, क्योंकि ये डर होता है ना कि इस तरह के कर्म करने के बाद कि बाद में अब हमारा नाम खराब होगा, तो यही डर उसको ओथेलो को भी था। तो वो लोडोविको को कमांड करता है कि जो बाद में तुम मुझको डिस्क्राइब करोगे लोगों को, तो विदाउट एग्जेजरेटिंग और विदाउट मेलाइनिंग मी यू हैव टू डिस्क्राइब मी, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेस्डिमोनाज कैरेक्टर्स आर मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी। तो डेस्डिमोना का जो कैरेक्टर है उसमें हमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है? कॉन्ट्राडिक्टरी होता है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स होता है विरोधाभास, तो यहाँ पे क्या विरोधाभास उसके कैरेक्टर में हमें देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सी इज बोथ ड्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। कि एक तो वो ड्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, कर्तव्यपरायण, और दूसरी तरफ वो इंडिपेंडेंट भी है, मींस उसको मालूम है औरतों के साथ किस तरह से बिहेव, मतलब औरतों को अपने लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी रिस्पेक्ट बचा के रखनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो क्या है, ड्यूटीफुल भी है। कि ओथेलो ने देखो इतना कुछ उसके साथ कर लिया, लेकिन फिर भी वो उसके लिए बिल्कुल समर्पित थी, पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेटेड थी। तो यहाँ पर ये दिखाया है। देन क्वेश्चन नंबर 58, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब इयागोज कैरेक्टर। तो इयागो का जो कैरेक्टर है उसको कौन सी फ्रेज सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है यहाँ पे? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, हिज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर। कि उसके जो मोटिवेशंस हैं, जो भी वो वर्क करता था, वो कभी भी क्या थे, पूरी तरह से, एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली क्लियर, कभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं थे। मीन्स कैसियो से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको सिर्फ पोस्ट उसकी ओथेलो ने दे दी थी कैसियो को, उसके बाद उसने कैसियो को अपना दुश्मन बना लिया, और ये तो चलो एक पॉइंट भी है, लेकिन डेस्डिमोना से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको भी उसने अपना दुश्मन बना लिया, सबके साथ उसने इस प्ले में धोखा किया है, सबके साथ गलत किया है। तो उसके जो मोटिवेशंस थे वो कभी भी एंटायरली क्लियर नहीं थे, वो सबके सामने अच्छा बन के रहता था और अंदर से वो बिल्कुल एज अ सर्पेंट सबको खराब करता जा रहा था। देन 59 क्वेश्चन, हाउ इज डेस्डिमोना लाइक द प्लेज ऑडियंस। तो डेस्डिमोना को यहाँ पे प्ले की ऑडियंस से कंपेयर किया गया है, जैसे कि ऑडियंस बैठ के प्ले को देखती है, तो उसी से जो डेस्डिमोना को भी कंपेयर किया गया है, तो रीजन बताना है ऐसा क्यों है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मैड विथ जेलेसी। कि ओथेलो जब जेलेसी से बिल्कुल पागल हो जाता है, तो सी मीन्स डेस्डिमोना को क्या करना होता है,
चुपचाप हेल्पलेसली सब कुछ देखना होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई। उसने देखा कि किस तरह से उसका हस्बैंड जो जेलेसी से फिल है, किस तरह से वो उसे गलत बिहेवियर दिखा रहा है, उससे ठीक से बात नहीं कर रहा है, इवन ही स्लैप्ड हर ऑल्सो, उसको उसने थप्पड़ भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करती है, हेल्पलेसली वो सब कुछ देखती रहती है, वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाती, कुछ भी नहीं करती सब कुछ ठीक करने के लिए। देन 60 क्वेश्चन, विच मोनार्क्स रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स करियर। तो शेक्सपियर का जो करियर था उसके दौरान कौन से मोनार्क का रूल मीन्स शासन था इंग्लैंड पर। तो क्वेश्चन नंबर 60, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट का शासन था उस टाइम पे। देन यहाँ देख लेते हैं एलिजाबेथ का शासनकाल कब तक रहा है, 1558 टू 1603, और उसके बाद जेम्स फर्स्ट यहाँ पे आ गए थे 1603 टू 1625। तो ये इनका कार्यकाल रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 61, विच टू ग्रुप्स आर एट वार इन ओथेलो। ओथेलो जो इनका प्ले है, जो ट्रेजेडी है, इसमें कौन कौन से ग्रुप जो है इनके बीच में वार दिखाया गया है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, द वेनेसियंस एंड द टर्क्स। तो ऐसे लर्न कर सकते हैं, ओथेलो का जो कंप्लीट टाइटल ही है वो भी क्या है, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। तो वेनिस से क्या है यहाँ पे, वेनेसियंस और जो टर्क्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध को दिखाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 61 तो ये है ही, 62, ओके। सो हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्सेस। तो शेक्सपियर के जो प्ले थे वो किसी ना किसी सोर्स से ही बेस्ड थे। तो यहाँ पे पूछा है कि ओथेलो में जो मेन सोर्स है उसमें क्या चेंजेज जो यहाँ पे शेक्सपियर ने किए हैं अपनी जो ट्रेजिडी है ओथेलो उसको यहाँ पे बनाने के लिए। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी हेयर, ही एडिड एंड अल्टर्ड कैरेक्टर्स एंड कंप्रेस्ड द एक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने ऐड किया है, कुछ को उन्होंने अल्टर्ड मीन्स चेंज किया है, एंड कंप्रेस्ड द एक्शन, और कुछ एक्शंस को भी उन्होंने कंप्रेस्ड किया है। तो इस तरह से उन्होंने पुराना जो सोर्स था उसमें से ये प्ले बनाया। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट अदर प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो। तो ओथेलो जिस टाइम पे शेक्सपियर जी ने लिखा था उसी टाइम पीरियड पे उन्होंने कुछ और प्लेज भी लिखे थे, तो वो हमें बताने हैं कौन से थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ एंड एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो इन सभी को उन्होंने तभी लिखा था जब ओथेलो प्लेज को उन्होंने लिखा था। तो ये सभी एक ही टाइम पीरियड के हैं, तो याद रख सकते हैं कैसे, एच हैमलेट, ओ ओथेलो, के किंग लियर, एम मैकबेथ। ये तो चार ट्रेजेडी हो गए, और इनसे अलग हमें एंटनी एंड क्लोपेट्रा को भी लर्न रखना होगा। तो हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। देन 64 क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड। तो शेक्सपियर के पीरियड में ओथेलो को क्या ऐसी चीज़ है जो यूनिक कैरेक्टर बताती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, मोस्ट कैरेक्टर्स हु वर मूर्स वर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज। तो यहाँ पे मूर जो होते हैं, मूर यहाँ पे बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के जो ये दिखाए हैं ओथेलो, तो उनको यहाँ पे हीरोज की तरह यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किया है। अदरवाइज बाकी जितने भी इनके प्लेज हैं सभी में इन्होंने राजा महाराजाओं को या बिल्कुल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से रिलेटेड लोगों को इन्होंने हीरो दिखाया है, और फेयर यूथ थे सब। और यहाँ पे जो मोर्स है ये क्या है, ये बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, और इसको यहाँ पे इन्होंने एज ए हीरो दिखाया है।
बाकी में इन्होंने मोर्स को किसी को भी हीरो के रूप में नहीं लिया है, सिर्फ ये ही प्ले ऐसा है जहाँ पे किसी मोर को इन्होंने हीरो दिखाया है। तो समझ में आ गया होगा। देन 65 क्वेश्चन, व्हाट रीजन डज इयागो गिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो। तो इयागो प्ले के स्टार्टिंग में क्या ऐसा रीजन देता है कि वो ओथेलो से किस लिए कॉन्स्पायर होता है, षड्यंत्र रचना, ओथेलो से इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ क्यों है, उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र क्यों कर रहा है वो, उसके लिए वो स्टार्टिंग में क्या रीजन देता है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रोमोशन। तो क्योंकि ओथेलो ने उसको पास कर दिया था, मतलब जो उसको छोड़ करके कैसियो को उन्होंने प्रमोशन दे दिया था, दैट्स व्हाई ही वो जेलस, इसलिए वो डरा हुआ था, सॉरी जेलस होता है, उसके मन में ईर्ष्या भर गई थी और वो जो है ओथेलो को अपना दुश्मन बना लिया था उसने। देन क्वेश्चन नंबर 66, व्हाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस। तो ओथेलो को साइप्रस क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क्स। तो जो टर्क्स थी और टर्क्स की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया था, तो उनसे खुद को डिफेंस मींस बचाव के लिए उसको साइप्रस भेजा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 67, हु डज इयागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विथ डेस्टिमोना। तो डेस्टिमोना से अफेयर को फ्रेम करने के लिए, तो यहाँ फ्रेम क्यों दिया है, क्योंकि उसको जो फाल्सली उसको प्रिटेंड किया गया था कि डेस्टिमोना का किसी से अफेयर चल रहा है। तो इयागो ने किसको फ्रेम किया था इसमें। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कैसियो। तो यहाँ पे इयागो जो अपना जो बदला लेने के लिए ओथेलो से, उससे सीधे नहीं लड़ता बल्कि उसका दोस्त बनकर उसको दिखाता है और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वो कैसियो और डेस्टिमोना का एक झूठा अफेयर दिखाता है और उसके थ्रू ओथेलो को बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है और वो डेस्टिमोना को यहाँ पे किल कर देता है। देन 68 क्वेश्चन, हाउ डज डेस्टिमोना डाई। तो डेस्टिमोना कैसे मरी थी ये बताना है यहाँ पे। तो 68 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, ओथेलो स्मोदर्स हर विद अ प्लो। तो ये जो स्मोदर्स होता है इसका मतलब होता है गला घोट के मारना। तो ओथेलो ने अपना एक प्लो लिया था और उस प्लो से उसने उसको गला घोट कर मार दिया था। तो गला घोट कर या दम घोट कर, मतलब उसके ऊपर प्लो रख कर उसने उसको मार दिया था। देन 69, व्हाट हैपन्स टू इयागो एट द एंड ऑफ द प्ले। तो इयागो को क्या हुआ था प्ले के एंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ही इज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो उसको मृत्यु की सजा दी गई थी अपनी कॉन्स्पिरेसी के लिए। देन 70 क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स ओथेलो विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। तो ओथेलो, मतलब ओथेलो को क्या ऐसा दिया गया था जिससे उसका जो सेंस था ऑफ सेल्फ वर्थ, जिससे उसको दिखाई देती थी हाँ मेरी भी कुछ वर्थ है, क्योंकि ही वो जो मूर, वो एक मूर था और वो यहाँ पे रह रहा था, तो उसमें ऐसा क्या था जिससे उसकी सेल्फ वर्थ बढ़ी हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, हिज मिलिट्री प्रावेस, मे बी इट इज पावर्स। सो उसकी जो मिलिट्री जो पावर थी उसके पास, उस वो उसकी सेल्फ वर्थ थी। तो 71 क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो प्ले है वो किस तरह से एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है, और किस चीज़ का एक्सपीरियंस, आइसोलेशन का। तो 71 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एज डेंजरस एज एंड अनसस्टेनेबल।
तो ये जो एक्सपीरियंस है कैसा, बिल्कुल डेंजरस है और अनसस्टेनेबल है। देन 72 क्वेश्चन, व्हाट डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील। तो ओथेलो की जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है एज एन एनिमल, तो वो क्या रिवील करता है यहाँ पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए द रेसिज्म ऑफ द टाइम। तो उस समय का जो रेसिज्म होता था उसको यहाँ पे वो शो करता है। तो रेसिज्म होता है जातिवाद वगैरह, जैसे कि कोई ब्लैकिश है, मतलब कोई फेयर कलर्ड है, कोई मोर है, डार्क कलर्ड है, उनके बीच में जो ये चलता था उस चीज़ को हम रेसिज्म बोलते हैं। देन 73 क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन इविल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले। और इस प्ले में कैसे ह्यूमन इविल, मानवीय बुराइयों को डिपिक्ट किया गया है? तो 73 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एज अ फोर्स ऑफ नेचर। देन 74 क्वेश्चन, व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना। तो डेस्डिमोना को हैंडकरचीफ क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ओथेलोज लव। तो ओथेलो ने ये हैंकी डेस्डिमोना को दिया था, जो उसको ओथेलो का प्यार जो है डिपिक्ट करता है। 75 क्वेश्चन, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द हैंडकरचीफ। और उस हैंडकरचीफ पर जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था, इसमें क्या एम्ब्रॉयडरी थी, क्या उसमें कढ़ाई हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए स्ट्रॉबेरीज। तो उसमें स्ट्रॉबेरीज बनी हुई थी जो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था। देन 76 क्वेश्चन, हाउ इज टर्किश फ्लीट थ्वार्टेड। तो यहाँ पे बताना है टर्किश जो फ्लीट थी, उन युद्ध किसके बीच में हो रहा था, टर्कीज के बीच में हो रहा था, और किसके बीच में था, वेनिसियंस के बीच में। तो टर्कीज जो फ्लीट है वो कैसे, मतलब उनसे बच पाए थे ये वेनिसियन, किस तरह से लड़ाई का एंड हुआ था? तो इसका है बी ऑप्शन करेक्ट, बाय या स्टॉर्म। तो इनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, जो टर्किस की जो फ्लीट थी वो स्टॉर्म की वजह से वहाँ पे सिंक हो गई थी। देन 77 क्वेश्चन, व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे कैसियो की हमें रैंक बतानी है कि कैसियो की क्या रैंक थी उससे पहले कि ओथेलो ने उसको वापस लिया। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी लेफ्टिनेंट। तो वो एक लेफ्टिनेंट था, तो इसी वजह से यागो के मन में जेलेसी आई थी, क्योंकि उसको लगा था इस पोस्ट के लायक सिर्फ वो ही है, और ये स्टोरी सारी स्टार्ट हुई थी। देन 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले। तो इसमें बताना है हमें कि ओथेलो को किस किस एनिमल एपिथेट से यहाँ पे अप्लाइड नहीं किया गया था। तो इनमें से तीन से उसको अप्लाई किया गया था और बाकी से नहीं किया गया था। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी सरपेंट। तो सरपेंट के नाम से उसको नहीं बुलाया गया था, अदरवाइज रैम, हॉर्स, एस सब उसको बोला गया था। देन 79 क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज इयागो। तो इयागो की एज बतानी है यहाँ पे कितनी है, और ये मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, और इम्पोर्टेंट भी नहीं तो इसको बार बार रिपीट करना ज़रूरी है जिससे हमें ये लर्न रहे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी 28। तो इयागो कितने ईयर का था, वो 28 ईयर का था। देन व्हाट इज द बीस्ट विद टू बैक्स। तो बीस्ट होता है एनिमल, तो एक ऐसा एनिमल जिसकी टू बैक्स हों, बैक्स होता है कमर। तो ये इस जो फ्रेज से किसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है? तो 80 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर टू पीपल हैविंग सेक्स। तो
नेक्स्ट देख लेते हैं 81 क्वेश्चन, व्हाट इज ब्राबेंजियो पोजीशन इन वेनिस। तो जो ब्राबेंजियो है उसकी पोजीशन बतानी है वेनिस में क्या थी। तो यहाँ पे ब्राबेंजियो याद होगा हमें कौन है, तो ब्राबेंजियो डेस्डिमोना के पिता थे और उनकी जो पोजीशन थी वो थी सीनेटर, तो वो एक सीनेटर थे। देन 82 क्वेश्चन, वेयर डज इएगो टेल रोड्रिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर सेलिंग टू फ्रॉम साइप्रस। तो इएगो रोड्रिगो से क्या बताता है कि ओथेलो एंड डेस्डिमोना सेलिंग होता है समुद्र से यात्रा करना, तो कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं वो, फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस से वो कहाँ जा रहे हैं ये यहाँ पे बताना है हमें, कि इएगो ने रोड्रिगो को बताया कि वो साइप्रस से यात्रा कर रहे हैं कहाँ की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, मोरिटानिया। 83 क्वेश्चन, हु मेड द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। अब ओथेलो ने जो हैंडकरचीफ डेस्डिमोना को दिया था वो ओथेलो को किसने दिया था, उसकी मदर ने दिया था। तो यहाँ पे बताना है हमें हु मेड द हैंडकरचीफ, तो ये हैंडकरचीफ किसने बनाया था। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, अ सिबिल और फीमेल प्रोफेट। ओके, देन 84 क्वेश्चन, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्डिमोना टू ओथेलो। तो डेस्डिमोना जो ओथेलो की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी, तो वो किस वजह से हुई थी, उसका रीजन बताना है यहाँ। तो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। तो ओथेलो ने जो भी उसको स्टोरीज बताई थी अपने पास्ट के बारे में, उन सबसे वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गई थी। तो 85 क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट रैंक डज इएगो बीग्रजिंगली होल्ड। तो इएगो बीग्रजिंगली होता है अनिच्छा से, कि उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी उसको उस रैंक को होल्ड करना पड़ा जो उसको इएगो ने दी थी। तो क्या पोस्ट थी वो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, एनसाइन। तो एनसाइन का मतलब वैसे क्या होता है, प्रतीक या चिन्ह। तो ऐसे ही जो मेन पोस्ट थी वो तो ओथेलो ने किसे दे दी थी, कैसियो को दे दी थी, और उसने इएगो को अपना एनसाइन बना लिया था। तो 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, इज फ्रॉम होम डिड डेस्डिमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो। तो इसमें सॉन्ग ऑफ विलो का जिक्र हुआ है प्ले में, तो डेस्डिमोना ने सबसे पहले ये जो सॉन्ग ऑफ विलो था ये किससे सुना था। तो 86 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, हर मदर्स मेड बारबरी। तो उसकी मदर की जो मेड थी बारबरी, उसने ये सॉन्ग सबसे पहले डेस्डिमोना को सुनाया था। 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इएगो थ्रू आउट द प्ले। तो इनमें से कौन कौन से एपिथेट जो उपाधियाँ इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड, कि सबसे ज़्यादा अप्लाई की गई थी इएगो के लिए। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ओनेस्ट। तो स्टार्टिंग में तो सभी को यही लगता था कि वो क्या है, बहुत ही ओनेस्ट मैन है, और बाद में उसने जो कुछ किया वो बिल्कुल एंड मौके पे सबको पता लगता है। तो 88 क्वेश्चन, हुज डेथ डज ग्रेसियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन। तो जो ग्रेजियानो है यहाँ पे, वो किसकी डेथ के बारे में रिपोर्ट करता है फाइनल सीन में। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ब्राबेंजियो। ब्राबेंजियो में डेस्डिमोना के जो फादर थे उनकी डेथ के बारे में ग्रेजियानो सबको रिपोर्ट करता है। देन 89 क्वेश्चन, विच ऑफ कैसियोज वीकनेस डज इएगो एक्सप्लोइट। तो विच ऑफ कैसियोज वीकनेस, तो कैसियो की ऐसी कौन सी वीकनेस थी, कौन सी कमजोरी थी जिसको इएगो ने एक्सप्लोइट किया था, जिसका उसने फायदा उठाया था अपने जो षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी,
अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, तो जो शराब के लिए उसकी जो लत थी कि वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, बिना शराब पिए वो रह ही नहीं सकता था, तो उसका उसने फ़ायदा उठाया। 90 क्वेश्चन, हुम डज येगो रेफर टू एज द ट्रू जनरल, तो येगो किसको रेफर करता है एज अ ट्रू जनरल, तो किसको वो ट्रू जनरल यहाँ पे बोलता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी, डेसडिमोना। देन 90 हो गए हैं ना। हाउ डज ओथेलो किल डेसडिमोना, तो ओथेलो डेसडिमोना को कैसे किल करता है, तो 91 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ही स्मोदर्स हर, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये, दोबारा रिपीट हो गया है। 92 क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू येगो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो येगो के अकॉर्डिंग ग्रीन आइड मॉन्स्टर उसने किसको बताया है, तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, जेलेसी। तो जेलेसी क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। 93 क्वेश्चन, होम डज कैसियो वाउंड इन द ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट टू सीन थ्री, तो एक्ट टू और सीन थ्री में जो एक ब्रॉल हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, होम डज कैसियो वाउंड, तो कैसियो ने उसमें किसको वाउंड किया था, किसको उसने जख्मी किया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, मोंटेनो, तो मोंटेनो को उसने इसमें जख्मी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 94, विद होम डज कैसियो डाइन द नाइट ही इज स्टैब्ड, तो कैसियो जिस रात उसको स्टैब्ड किया गया था, चाकू मारा गया था, उस रात उसने किसके साथ जो डाइन होता है खाना खाना, तो किसके साथ खाना खाने के लिए गया था वो, डाइन कह सकते हैं डिनर, ऐसे लर्न रख सकते हैं इसको, तो जिस रात उसको चाकू मारा गया था या उसके ऊपर हमला किया गया था, उस रात वो किसके साथ जो खाना खाने गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, बायंका। तो बायंका कौन थी, वो कैसियो की गर्लफ्रेंड थी। 95 क्वेश्चन, व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेसडिमोना, तो ओथेलो ने क्या होल्ड किया हुआ था अपने हैंड में, एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेसडिमोना, जो वो स्लीपिंग डेसडिमोना के पास में खड़ा हुआ था, तो देखो प्यार तो बहुत करता था वो, लेकिन उसको जेलेसी की वजह से उसने उसको मार दिया था, जेलेसी क्या इग्नोरेंस कह सकते हैं, उसको जैसे भड़काया गया था और सब कुछ गलत उसको बताया गया था, तो वो क्या होल्ड किए खड़ा था, अ लाइट, वो एक लाइट पकड़ के वहाँ पे उसको देख रहा था। देन 96 क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम, तो ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर हमें बताना है जिसने ओथेलो को बाय नेम यहाँ पे रेफर किया हो, तो 96 क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ए, द ड्यूक। 97 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लोडोविकोज लेटर हु इज टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस, तो लोडोविको का एक लेटर था, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किसको रिप्लेस किया जाना था, ओथेलो के से किसको रिप्लेस करना था एज गवर्नर ऑफ साइप्रस, तो ओथेलो क्या था, गवर्नर था साइप्रस का, और उसने जब सुसाइड कर लिया था तो किसको उसकी जगह पे यहाँ पे गवर्नर बनाया जाना था, ये पूछा गया है यहाँ पे, तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैसियो, तो कैसियो को बाद में गवर्नर बनाया गया। 98 क्वेश्चन, ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेसडिमोना आस्क एमिलिया टू डू, तो जिस रात उसकी डेथ हुई थी डेसडिमोना की, तो उस रात उसने एमिलिया को क्या करने के लिए बोला था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पुट डेसडिमोनाज वेडिंग सीट्स ऑन द बेड, तो उसने बोला था जो डेसडिमोना की जो मैरिज सीट थी, जो शादी के समय पे बिछाई गई चादर थी, उसको उसने बेड पे उस बिछाने के लिए बोला था। 99 क्वेश्चन, व्हाट डज येगो काउंसिल रोड्रिगो टू डू, तो येगो रोड्रिगो को
क्या करने की सलाह देता है? तो 99 द करेक्ट आंसर विल बी बी, पुट मनी इन दाई पर्स। तो दाई का मीन्स होता है योर। तो वो बोलता है अपने जेब में पैसा रखो, अपने पर्स में पैसा रखो और मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूँगा, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे हड़पता रहता है रोड्रिगो से उसका काम करने के लिए। और काम क्या था? वो डेस्डिमोना से वो शादी करना चाहता था रोड्रिगो। 100 क्वेश्चन, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो किसको यहाँ पे ये टर्म दी गई है मोटिवलेस मैलिग्निटी? तो 100 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, इएगो। तो ये जो टर्म है ये इएगो के लिए यूज हुई है। 101 क्वेश्चन, इएगो हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी बाय। और ये जो मोटिवलेस मैलिग्निटी उसके लिए यूज हुई है टर्म, ये बताना है हमें कि किसने यूज की है, किसने इएगो के लिए ये टर्म यूज की है मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो 101 द करेक्ट आंसर विल बी बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। देन 102, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर क्रिटिक, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सेड दैट इविल हैज नो वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विद सच मास्टरी एज इन द इविल कैरेक्टर ऑफ इएगो। तो कौन से शेक्सपियर के क्रिटिक ने ऐसा बोला था कि इविल हैज नो वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विद सच मास्टरी, कि इतनी कुशलता के साथ किसी और कैरेक्टर को, मतलब बुराई को कहीं भी डिपिक्ट नहीं किया गया है, कहीं भी पोर्ट्रेड नहीं किया गया है जैसे कि इएगो के इविल कैरेक्टर में, कि सबसे ज़्यादा इविल इसमें किसको बता दिया? इएगो को बता दिया। और क्यों बताया गया है? क्योंकि बाकी कैरेक्टर के पास जेलेसी करने का कोई रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे इएगो किसी के साथ भी दुश्मनी बांध लेता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसका सत्यानाश वो कर देता है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, ये एसी ब्रैडली ने बोला है इएगो के कैरेक्टर के लिए। 103 क्वेश्चन, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक सेड अबाउट इएगो दैट ही स्टैंड्स सुप्रीम अमंग शेक्सपियर्स इविल कैरेक्टर्स बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी एंड सब्टलिटी ऑफ इमेजिनेशन हैव गोन इनटू हिज मेकिंग। तो ये सब जितनी भी कोट्स है ये शेक्सपियर के कैरेक्टर इएगो के लिए बोली गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, इएगो के लिए क्या बोला है? स्टैंड सुप्रीम अमंग शेक्सपियर्स इविल, कि शेक्सपियर के जो इविल कैरेक्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम स्टैंड ये करता है, सबसे ऊंचाई पर इसको ही रखा जा सकता है इविल में इएगो को, बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी एंड सब्टलिटी ऑफ इमेजिनेशन हैव गोन इनटू हिज मेकिंग। क्लियर? तो हमें बताना है कौन से क्रिटिक ने ये इएगो के लिए बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एसी ब्रैडली। तो एसी ब्रैडली ने ही ये बोला है। और ये एसी ब्रैडली कौन है, कुछ याद आया? तो एसी ब्रैडली वो हैं जिसने शेक्सपियर का जो क्रिटिसिज्म लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और कब लिखा था इन्होंने, 1904 में। देन 104, हु सेड इएगो इज एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ अ साइकोपैथ। तो किसने इएगो को एक्यूरेट पोर्ट्रेट बताया है साइकोपैथ की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, फ्रेड वेस्ट। 105 क्वेश्चन इज हेयर, हु राइट्स दैट इएगो इलस्ट्रेट्स इन द मोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फैक्ट्स कंसर्निंग इविल विच सीम टू हैव इम्प्रेस्ड शेक्सपियर द मोस्ट, द फर्स्ट बींग दैट द फैक्ट दैट परफेक्टली सेन पीपल एग्जिस्ट इन होम फेलो फीलिंग ऑफ एनी काइंड इज सो वीक दैट एन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट इगोइज्म बिकम्स पॉसिबल टू दैम विद द सेकेंड बींग दैट
सच इविल इज कंपैटिबल एंड इवन अपीयर्स टू एली इट्सेल्फ इजीली विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट। तो यागो के लिए लिखा गया है ये भी, और ये हमें बताना है ये कौन से क्रिटिक ने लिखा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा एसी ब्रैडली। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ज़्यादातर यागो के बारे में किसने बोला है, एसी ब्रैडली ने ही बोला है। तो 106 क्वेश्चन, हु राइट्स दैट टू कंपेयर यागो विद द सैटर्न ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सीम्स ऑलमोस्ट एब्सर्ड सो इमेंसली डज शेक्सपियर्स मैन एक्सीड मिल्टन्स फ्यंड इन इविल। तो उसने बोला है पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न से भी ज़्यादा बुरा यहाँ पे इन्होंने यागो को बता दिया है। तो ये कौन से क्रिटिक हैं, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर एसी ब्रैडली। तो एसी ब्रैडली ही हैं ये भी। तो बस एक ही क्वेश्चन हमें यहाँ पे लर्न रखना है अच्छे से, एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ साइकोपैथ किसने बोला है, फ्रेड वेस्ट ने बोला है। और इसके अलावा बाकी काफ़ी कुछ जो भला बुरा इसको बोला गया है यागो को, वो किसने बोला है, एसी ब्रैडली ने बोला है। तो थोड़ा ईजी हो जाएगा लर्न रखने के लिए इसको। 107 क्वेश्चन, हु बिलीव्ड दैट यागो इज सिंपली एन अपॉर्चुनिस्ट हु क्लेवरली ग्रेस्प ओकेशन एंड दैट यागो इज नीदर एज क्लेवर नोर एज विग्ड एज सम वुड थिंक एंड द प्रॉब्लम ऑफ हिज कैरेक्टर लार्जली रिसोल्व्स इट्सेल्फ इनटू द क्वेश्चन वाज ही जस्टिफाइड इन एम्बार्किंग अपॉन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज रिवेंज। तो यहाँ पे इन्होंने यागो को क्या दिखा दिया है, एज एन अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी उसको बता दिया है, कि बाकी लोग जैसे कि उसको क्लेवर समझते हैं, वो क्या है, एक अवसरवादी है जिसने सभी ओकेशंस को सभी अवसर को चतुरता से ग्रेस्प कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी तारीफ भी हो गई है यागो की। तो ये किसने बोला है, जॉन ड्रैपर। तो जॉन ड्रैपर ने यागो के बारे में बोला है ये स्टेटमेंट। 108 इन विशाल भारद्वाज फिल्म ओमकारा हु प्लेज द रोल ऑफ ईश्वर लंगड़ा त्यागी। तो विशाल भारद्वाज की एक मूवी है जो 2006 में आई है, तो उसमें हमें बताना है कि किसने ये रोल प्ले किया था, जिसमें उसका नाम क्या था, ईश्वर लंगड़ा त्यागी, जो कि मॉडल्ड ऑन इयागो ओथेलो, जो ओथेलो का जो कैरेक्टर है इयागो, उसके ही कैरेक्टर पे बेस एक और कैरेक्टर था इस मूवी में जिसका नाम था ईश्वर लंगड़ा त्यागी। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमें इसमें मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो कैरेक्टर था उसका नाम हमसे पूछा जा सकता है, यागो के ऊपर कौन सा कैरेक्टर बेस है, तो वो था ईश्वर लंगड़ा त्यागी। ये मूवी किसने बनाई थी, तो ये जो मूवी किसकी थी, विशाल भारद्वाज की थी। मूवी का नाम क्या था जो ओथेलो के ऊपर बेस थी, ओमकारा था। कौन से ईयर में आई थी, 2006 में आई थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यही मिल गए, और इससे अलग हमें एक क्वेश्चन ये मिल गया कि ये जो ईश्वर लंगड़ा त्यागी है ये रोल किसने प्ले किया था, तो ये रोल सैफ अली खान ने प्ले किया था। क्लियर। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं आप, जो भी आपके फीडबैक्स हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।